आज छत्तीसगढ़ दुर्ग भिलाई में भागवत की पूर्णाहुति हुई है और आज सप्तम दिवस महाराज श्री के द्वारा बहुत ही सुंदर सुंदर प्रसंग सुनाए गए हैं और ये हमारे साथ में इस श्रीमद् भागवत कथा के आयोजक भी हैं जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से इस श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। बहुत अच्छी अच्छी इन्होंने यहाँ पर व्यवस्थाएँ दी हैं, बहुत सुंदर हॉल भी बनाया, बहुत सुंदर मंच, और मैं इनसे ज़रा जानकारी करूँगा। ये मेरे साथ में आनंद प्रकाश जी हैं, आनंद अग्रवाल जी, और पहले भी इन्होंने मेरी वार्तालाप हो चुकी है। आप ज़रा बताएंगे कि इस श्रीमद् भागवत कथा के सात दिवस के अंदर में आपने क्या अनुभूति की है? बहुत ही सुंदर अनुभूति हुई है हमें। अब तो ये दिल करता है जहाँ भी आचार्य श्री मोहित जी जहाँ भी भागवत करेंगे, 7 दिनों में जो भागवत की इन्होंने व्याख्या की है वो हमारी एकदम दिल से इच्छा है। जहाँ भी करेंगे हम, जहाँ भी जा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा भागवत को अटेंड करें और सुने, हम यही चाहते हैं बस। बहुत जैसा कि महाराज श्री के द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा जहाँ भी कथा का आयोजन हो उस जगह हम जाएं। देखिए हमारे साथ में यहाँ भी खड़े हुए हैं, आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? कैलाश अग्रवाल जी, आप भिलाई से, दुर्ग से ही हैं। आपने पूरी 7 दिवस कथा का आनंद लिया? पूरी 7 दिन कथा पूरे सुने हैं, आनंद लिए हैं एकदम। और भी ऐसा लग रहा है कि क्या निकल के जा रहा है, एकदम अंदर से बहुत वो लग रहा है, खालीपन लग रहा है, एकदम समाप्त हो गया तो एकदम बड़ा अटपटा लग रहा है समाप्त होने से। यानी इनका जो अंदर से एक हृदय है बहुत ही ज़्यादा विचलित हो रहा है कि अब हम अपने जीवन से क्या खो, यानी महाराज श्री का यहाँ से जाने का, इनको न जाने का दिल कर रहा है कि महाराज श्री यहाँ से जाए नहीं, इन्होंने सीधा वृंदावन ही इस भिलाई दुर्ग को बना दिया। ये हमारी बेटा क्या नाम है तुम्हारा? कविता अग्रवाल। 7 दिन से नागपुर से हूँ मैं। ये कविता जी हैं, नागपुर से आई हैं और आपने 7 दिन कथा सुनी है? मैंने पूरे 7 दिन महाराज जी की कथा सुनी है। मुझे इतना आनंद आया है, इतने कान्हे की प्राप्ति, ऐसा लगता है सारा व्रज धाम बन गया है हमारा भिलाई। यानी इनका कहना है कि हमारा दुर्ग भिलाई पूरा जो, ये हमारे साथ में आशीष अग्रवाल जी, आप भी भिलाई से ही हैं? दुर्ग से हैं। और कैसा आपको महसूस किया? ऐसा लग रहा पूरा वृंदावन यहाँ पूरा समा गया है, पूरा ब्रिज समा गया। वृंदावन ही नहीं, इन्होंने तो सारा ब्रिज मंडल को ही बुला लिया है। इधर में देखिए, इधर में भी कुछ खड़ी हैं। आप बताएंगे आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? जरा नाम बताइए, आप संकोच मत कीजिए। वैशाली अग्रवाल। आप इस परिवार से हैं, बहू हैं आप इस परिवार की, और 7 दिन आपने कथा का आनंद लिया है? जी आनंद लिया, बहुत आनंद लिया। अच्छा, मैं ये नहीं देखा कि आप कहीं दूर से आती थी, कहाँ से आती थी? हम रायपुर से आ रहे थे, रोज आना जाना कर रहे थे। यानी ये भिलाई डेली दुर्ग के रायपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर है, 55 किलोमीटर दूर है। सुबह आना और रात को यहाँ से सब आनंद प्रसादी सब वगैरह करके और इनका फिर अपने वापस वहीं लौटते थे। और ये हमारे देखिए माताजी खड़ी हैं, ये गीता माताजी, मैं इनसे 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ इस परिवार से, और ये हमारी गीता माताजी की लड़की हैं। कैसा लगा है? बहुत अच्छा लगता है, हम तो वृंदावन जाते हैं, बिहारी जी का मन ही नहीं करता आने का, और यहाँ भी अब ऐसा लग रहा है कि बस वृंदावन आ गया। हमारी भिलाई में रोज़ भागवत हो, रोज़ आप लोगों का दर्शन हो, रोज़ वृंदावन यहीं पर आ जाए। देखिए कैसा कहा कि ये भिलाई नहीं, ये तो सीधा वृंदावन हो गया है। आप भी जो है? हम नागपुर से हैं, वृंदावन का जैसा लगा बहुत बढ़िया लगा, भागवत अच्छा लगा। आप माता जी नागपुर से आई हैं इस कथा का आयोजन, आप भी थोड़ा, आप कहाँ से हैं जी? हम दुर्ग से। सब दुर्ग से? हाँ जी। शुभ नाम आपका? सुरेश साकला। आपने आज कथा का आनंद लिया है, कैसा लग रहा है? जोरदार जी, आनंद आ गया एकदम। यानी व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं, और हमारे इस कथा के जो मुख्य यजमान है ओम प्रकाश जी, मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ है वो। ओम प्रकाश जी ऊपर खड़े हुए हैं, जरा आएंगे, जरा ऊपर आएंगे, मंच पर आए थोड़ा आप मेरे साथ में। देखिए यहाँ पर हमारे ये मोहनलाल जी भी खड़े हुए हैं, भिलाई से हैं, जरा इनका चेहरा दिखा देना आप, जो है ये भिलाई से हैं। आपने गुरु जी की कथा सुनी है? मैंने गुरु जी की कथा जी 4थी या 5वीं बार सुनी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और ऐसा मन करता है कि बस गुरु जी के चरणों में ही पड़ा रहूँ और राधे राधे रटता रहूँ। मैं तो अपने आप को राधे नाम का एक फ़कीर समझता हूँ कि मेरी झोली में जो कोई राधे नाम डाल दे बस आनंद ही आनंद आ जाता है। इनका कितना सुंदर भाव है इनका के राधा नाम ही मेरे जीवन का सार है। ये हमारे मुख्य इस परिवार के सबसे बड़े परिवार में है, ये ओम प्रकाश जी इनका नाम है,
आपने ओम प्रकाश अग्रवाल जी, आपने इस कथा का आयोजन लिया और अपने बड़े भाई यहाँ पूरे परिवार के अंदर में, और आप इस परीक्षित भी बने हैं जी। आप ये बताएंगे गुरु जी की कथा से आपको क्या प्राप्ति हुई है? बहुत कुछ प्राप्त हुआ है, बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। इन्होंने एक ही शब्दों में सब कुछ बता दिया कि बहुत कुछ हमको प्राप्त हुआ है। और ये इनकी हमारी इनके परिवार से है, इनकी धर्म पत्नी है, क्या नाम है अपना? कौशल्या अग्रवाल। कौशल्या दे अग्रवाल। कौशल्या अग्रवाल, कैसा लगा आपको कथा? बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया, बहुत। देखिए ये पूरा परिवार इनका खड़ा हुआ है, इनके भाई ये राजेंद्र अग्रवाल। गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया, बहुत कुछ मिल गया भाई, बहुत कुछ मिल गया, कुछ मिल गया इनका। सुभाष चंद्र अग्रवाल, इस कथा से मुझे बहुत कुछ बहुत प्राप्त हुआ, सब कुछ मिल गया, जैसे जीवन में भक्ति एक ये हो गई। यानी इनका कहना है कि मेरा हमारा पूरे परिवार का जीवन सफल हो गया है इस कथा से, हमको बहुत आनंद आया, हमारे गुरुजी वृंदावन से आए मोहित स्वरूप जी, इनसे हमको बहुत कुछ सुनने के लिए मिला, बहुत कुछ ज्ञान की बातें मिली, सुंदर सुंदर इनके द्वारा भजन भी गाए गए और सब पब्लिक को खूब नचाया भी है। बोलो राधे राधे, राधे राधे।